अभी देखिए वो भाई देखिए एक नंबर ड्राइवर है, वो देखिए इंडिकेटर दे के ही जा रहा, बट कहां पे उसको बंद करना ये नहीं मालूम, ठीक है? इंडिकेटर का यूज की ये गलती आप ना करें जब भी कोई सिग्नल दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक सिंगल लाइन में कहीं पे आप जाते हैं हाईवे वगैरह में, तो कहीं पे मुझे जल्दी जाना भी पड़ता है, कहीं पे आपको लेन खाली मिलता है तो ओवरटेक भी करना पड़ता है। तो बेसिकली आज टोटल डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सिंगल लेन में आप एक हाई स्पीड गाड़ी को भी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप स्टीयरिंग को मेंटेन करें। मींस टोटल मैं सिंपल वर्ड में कहना चाहूंगा कि हाई स्पीड में भी आप कैसे गाड़ी को स्टेबल रख सकते हैं। बेसिकली आज इसी चीज के बारे में टोटल डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप एक बिगिनर ड्राइवर है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं इसी वीडियो में आपको ओवरटेक करके भी बताऊंगा, हाई स्पीड में स्टेबल करके भी बताऊंगा, और हाई स्पीड में आप स्टीयरिंग को भी कैसे कंट्रोल करें, टोटल चीज आज डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, इसको थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो मे भी आपका जो इन्फॉर्मिंग चीज है वो पार्ट आपसे मिस हो जाए, आप देख ना पाए, जो कि आपके लिए ज्यादा वैल्यू रहेगा। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं देखिए गाड़ी के अंदर आ चुका हूं। मैं गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी कहीं आप हाईवे में चले, ठीक है, या फिर आपका अगर आपका गाड़ी का जो स्पीड है वो अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं 80-90-100 पे चल रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 100% जो आपके विंडोज है उसको ऑफ रोल आउट कर लिए, मींस आप विंडो को क्लोज कर लिए, विंडो खोल के कभी भी ना चलाएं। देखिए, सबसे पहला जो है जो मिथ है हम लोगों के बारे में कि विंडो मींस नीचे कब करते हैं, जब एसी ऑफ करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एसी ऑफ करके विंडो नीचे करके मैं एवरेज बढ़ा लूंगा, अगर एसी को ऑफ करके चलूंगा और एसी ऑन करूंगा तो एवरेज गिर जाएगा। आप 100% राइट है, इसमें मैं गलत नहीं कर रहा हूं, बट केस कैसा है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका एसी ऑफ है, ठीक है, और आपका विंडो डाउन है, तो देखिए जो गाड़ी बनती है वो आप देखेंगे आगे से ऐसा होगा, एरोडायनेमिक होता है, खासकर सेडान में देखेंगे वो लंबी रहती है और हाइट कम रहती है, ठीक है। और आप कोई बड़ी एसयूवी देखेंगे वो बड़ा रहेगा, सामने से रहेगा, उसका देखिएगा एवरेज ऑटोमेटिक ही कम रहता है। क्यों, कभी नोटिस किए हैं, बहुत सारा सेम सेगमेंट का गाड़ी है 1200 सीसी या 1500 सीसी का इंजन में अगर वो एसयूवी में आ रहा है उसका देखिएगा एवरेज कम होगा, बट वही गाड़ी वही इंजन अगर आप एसयूवी में आप एक कॉम्पैक्ट सेडान या फिर सेडान में लग के आती है उसका एवरेज आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों, सारा कुछ होता है एरोडायनेमिक में, जब गाड़ी डिजाइन होती है तो उसको एरोडायनेमिक मींस जस्ट लाइक ऐसे बनाते हैं ताकि जब गाड़ी स्पीड चले तो जो हवा का प्रेशर हो वो गाड़ी के ऊपर से ऐसे निकल जाए, गाड़ी को कम रोके, ज्यादा टकराव ना हो। इससे क्या होता है कि आपका गाड़ी स्पीड से निकल सकती है, एक गाड़ी का रुकावट कम होगी। लेकिन आप जब एसयूवी देखेंगे तो एसयूवी कुछ इतना ज्यादा उठी रहती है, ठीक है, तो उसपे हवा का प्रेशर दबाव ज्यादा पड़ती है तो वो गाड़ी को उस हिसाब से भागने नहीं देती है जितना हिसाब से आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। तो यही मिसाल है। तो अब आप लोग क्या करते हैं कि हाईवे में गाड़ी 80-90 में चलाते हैं और विंडो खोल देते हैं तो आप एरोडायनेमिक्स का पूरा खत्म कर देते हैं, मींस एरोडायनेमिक्स का आप दजिया उड़ा देते हैं, सीधा सीधा मैं वर्ड में आपको बोलना चाहता हूं, क्योंकि विंडो खुली हुई है, एयर का प्रेशर आ रहा है, गाड़ी के अंदर जा रहा है, गाड़ी को रोक रहा। तो अब देखिए क्या करें कि जब आपका स्पीड 70-80 में जा रहा है आप एसी ऑन कर ले नॉर्मल में, कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। देखिए आप एसी ऑन करें, सपोज देखिए मैं गाड़ी को ऑन कर रहा हूं, ठीक है, यहां से देखिए तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं गाड़ी को ऑन किया, देखिए आरपीएम में देखिएगा नजर, ठीक है, आरपीएम को सुई देखिए अभी कहां पे, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन होगी। देखिए अब देखिएगा एसी को ऑन कर रहा हूं, ठीक है, देखिए हल्का सा बड़ा आरपीएम, देखिए ये देखिए, ये देखिए हल्का सा बड़ा, अब मैं ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, देखिएगा, देखिए ये डाउन हुआ, ठीक है, ये डाउन हो गया। तो ये केस जो है, ये जो देखिए, ये जो है देखिए फिर से बढ़ रहा, हल्का सा बढ़ रहा, ठीक है। जो ये चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आप खड़ी है जहां पर ट्रैफिक एरिया, जहां पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो आपका एवरेज में फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गाड़ी एकदम स्टेबल है। जैसे देखिए मैं गाड़ी खड़ी है, ऑन कर रहा हूं, फटाक से आरपीएम बढ़ जा रहा है, मींस एयर फ्यूल का मिक्सर बढ़ रहा है, एयर का मींस आपका जो पेट्रोल का खपत बढ़ रहा, तब थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा। अगर यही चीज अगर 80-70-80 में चल रहा तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब एसी का कंप्रेसर जब चलता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी के इंजन के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिक आरपीएम उसका ऑलरेडी आप 1500 आरपीएम पे चल रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका गाड़ी उतना पेट्रोल एब्जॉर्ब कर रहा है, तब आपको कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस है वो आप ना के बराबर। लेकिन आप जब विंडो खोल देंगे तो आपको इफेक्ट पड़ेगा, आपका एवरेज आपको उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा। अगर आप एसी ऑन करके सारा चलाएंगे तो आपको मे बी आपका एवरेज उससे ज्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही होता है, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चले तो आप सिर्फ फैन को ऑन कर ले, एसी ऑफ कर ले तो आप मैनेज कर लेंगे, बट जैसे ही आपका रोड क्लियर हो जाए फटाक से आप एसी को ऑन कर ले, इसमें आपका पेट्रोल का एवरेज कुछ भी नहीं जाएगा फ्रेंड्स, अच्छा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहां तक तो मैंने क्लियर कर लिया, अब गाड़ी के अब स्टार्ट करता हूं, अब मैं सीधे रोड पे चलता हूं कि कैसे मैं स्पीड में गाड़ी को स्टेबल रख सकता हूं। तो फ्रेंड्स सेम वैसे ही मैंने सारा कुछ
एडजस्ट कर लिया हूँ आपका सीट को भी, मैंने कैसे बताया था आपको सीट अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। देखिए सीट भी हो गया सारा, आरपीएम की एडजस्ट हो गया, अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ ठीक है। और सेम मैं एसी को भी ऑन कर लेता हूँ ठीक है। देखिए एसी भी ऑन कर लिया, अब सीट बेल्ट लगा लिया ठीक है। अब देखिए मुझे, मैं यहाँ राइट साइड में हूँ ठीक है, अब मुझे अपने लेन में जाना है पहले ठीक है। तो पहले अपने लेन में जाने के लिए मैं पहले ORVM देखूंगा सारा क्लियर है, उसके बाद इंडिकेटर दूंगा। देखिए अब देखिए मैं धीरे 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 अपने लेन पे जा रहा हूँ, फटाक से दो नंबर लगा दिए, दो नंबर लगा दिए। अब देखिए अपने लेन में चला गया, अब यहां से मैं स्पीड से गियर, गियर भी चेंज करना है तो आपको ये सारा चीज का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। जैसे जैसे स्पीड होगा वैसे वैसे देखिए चार नंबर लग गया फटाक से। देखिए ये जो व्हाइट वाली पट्टी है इसके अंदर ही चले जितना हो सके। अभी देखिए वो भाई देखिए एक नंबर ड्राइवर है, वो देखिए इंडिकेटर दे के ही जा रहा बट कहां पे उसको बंद करना ये नहीं मालूम ठीक है। इंडिकेटर का यूज की ये गलती आप ना करें, जब भी कोई सिग्नल दे जितना ज्यादा जरूरी ध्यान से आप उस सिग्नल को दे रहे हैं उतना ज्यादा ध्यान से उस सिग्नल को बंद भी हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको भी चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनकेस उसके पीछे अगर कोई ड्राइवर रहेगा तो वो हीट कर सकता है, वो उसको मिस गाइड हो सकता है ठीक है। तो देखिए यहां से मैं पांच नंबर दे दिया हूं, देखिए मेरा स्पीड 60 पे है देखिए ठीक है, मैं 60 पे गाड़ी को इजिली कंट्रोल कर रहा हूं देखिए ठीक है। और क्या, स्टेयरिंग कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका ये जो पोजीशन है जो आप देख रहे हैं, ये जो हाथ का पोजीशन यहां पे रखें, ना कि यहां रखें ना कि यहां रखें ठीक है। ये जो सबसे बेटर पोजीशन, यहां पे ग्रिप भी बढ़िया मिलता है और यहां से एक बेनिफिट क्या है कि आप एक हाथ से भी स्टेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है। और क्या है कि एक हाथ से आप सारा वाइपर वगैरह यहां पे हाथ रखें, देखिए यहां से वॉशर का कंट्रोल कर लिए, यहां से इंडिकेटर का कंट्रोल कर लिए, सारा कुछ यहीं से कंट्रोल कर लेंगे आप ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली मैं यहां से 60 के स्पीड को क्रॉस कर रहा हूं, देखिए बस इसी के अंदर चलाना है आपको ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हैं बस इसी में आपको चलाना है, जैसे जैसे रोड का जा रहा है उस हिसाब से आपको टर्न लेना है, उस हिसाब से आपको सारा कुछ मेंटेन रखना है। देखिए यहाँ पे डाउन आ गया थोड़ा सा, हल्का सा ब्रेक लगा, आपको कुदाना भी नहीं है बेसिकली आपको। देखिए टर्निंग जहां पे भी आए आप सबसे पहले एक काम करें, देखिए यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले हॉर्न का यूज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर ओवरटेक कर रहा हूँ ताकि अगला को पता भी चल जाए कि मेरे पीछे से गाड़ी एक ओवरटेक करने वाली है ठीक है। और जहां पे आपका ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है वहां पे आप ओवरटेक को इग्नोर करें, ओवरटेक को बिल्कुल भी ना करें। देखिए यहां पे मैं पहले पास दे रहा हूं ठीक है, और फिर हॉर्न भी दे रहा हूं ठीक है। फटाक से आप तीन नंबर गियर को मैंने चेंज कर लिया हूं, देखिए यहां से गाड़ी भी आ रहा है, इसको पास भी दे रहा हूं, देखिए पास दे रहा हूं वो स्लो हो गया, फिर इंडिकेटर दिया हूं लेफ्ट की ओर देखिए, फिर उसके बाद मैं इंडिकेटर को बंद भी कर रहा हूं ठीक है। ये सारा चीज आपको करना है तब जाकर आप ओवरटेक कर सकते हैं और आप एक स्पीड मेंटेन रख सकते हैं। देखिए यहाँ से रोड क्लियर मिला, मैं इसको क्रूज कर रहा हूँ, अब ये 80 के पास जा रहा हूँ, 70 पार हो गया ये 80, यहाँ पे देखिए ये 80 क्रॉस हो रहा है, एक बीप बज रहा सिक्योरिटी अलार्म कि 80 क्रॉस किया है गाड़ी। अभी देखिए मैं आराम से यहाँ से 100 पे चला रहा हूँ गाड़ी ठीक है। देखिए 100 पे इसलिए चला रहा हूँ कि मुझे आगे तक क्लियर दिख रहा है। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें, जब आपको रोड क्लियर ना देखे आप स्पीड ना करें, ओवर स्पीडिंग बहुत ही रिस्की है अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो। हाँ रोड क्लियर है लेन क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप स्पीड चलाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। जहाँ पे रोड वैसा है, यहाँ पे देखिए मैं वापस से फिर 80 में आ गया क्योंकि यहाँ पे टर्निंग है, गाड़ी भी आ रही है और मैं हल्का सा यहाँ पे ब्रेक भी यूज कर रहा हूँ। तो स्पीड वहीं पे यूज करें जहां पे आपको रास्ता क्लियर मिला देखिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं आराम से इसके पीछे पीछे निकल रहा हूँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत ही पतला है, नैरो है और दूसरी तरफ से गाड़ी भी ज्यादा आ रही है ठीक है। और देखिए ये बाइक कभी भी इधर आ सकता है ओवरटेक करने के लिए, तो पहले मैं इसको ऑन देके जस्ट इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपके पीछे एक और गाड़ी है, आप अगर ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ गियर को फटाक से तीन नंबर में चेंज कर करके देखिए इसको हॉर्न दिया, ये साइड दे दिया मुझे, तो जैसे ही आपको साइड दे ना वैसे ही निकल जाइए ठीक है। ये देखिए वापस मैं फिर से अपने लेन में आ गया और यहाँ पे देखिए वो वाली रोड चेंज हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ रोड कितना नैरो हो गया। तो यहाँ पे मैं 50 के आसपास का मैं स्पीड मेंटेन रख रहा हूँ, 45-50 का। आप भी ऐसे करें अगर आपका रास्ता क्लियर ना हो तो। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था फ्रेंड्स कि हमेशा कोशिश करें कि एक हाथ से स्टेयरिंग को कंट्रोल करें, वो क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे देखिए मैं फटाक से तीन नंबर से अभी चार नंबर लगा रहा हूँ, जैसे कोई आता तो गियर कम हो, क्योंकि मैनुअल कार होती है उसमें गियर आपको खुद से लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक तो है नहीं, तो वो जितना आप डिले करेंगे इसको लगाने में उतना आपका गाड़ी स्लो होगा, उतना आपको स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो हर एक चीज का जो बैलेंस होता है वो आपको फास्ट करना होगा, एक्सेलेरेटर आपको फास्ट देना होगा, क्रूज फास्ट करना होगा, गियर शिफ्टिंग सही तरीके से सही टाइम पे करना होगा। देखिए फटाक से पांच नंबर लगा दिए,
अब जब पास में मन लग गया रोड क्लियर है तो आप दोनों हाथ आप स्टैंडिंग पे रख सकते हैं। तब देखिए आराम से मैं गाड़ी को 80 पार कराऊंगी। ये देखिए 80 पार हो गया, रोड मुझे ऐसा मिल रहा तो ही मैं क्रूज कर रहा हूँ। देखिए 80 हो गया, अब ये 90 है। अभी देखिए यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, ठीक है। जैसे ही भी दिखा मैं एक्सीलेटर पे पैर दिया। देखिए ये देखिए वो लाइन पे आ रहा है, देखिए इसको मैं पास दे रहा हूँ। देखिए हल्का सा मैं ब्रेक भी अप्लाई किया और फिर स्टीयरिंग को कंट्रोल करके मैं निकल गया। देखिए तो फ्रेंड्स हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जब आपका रोड मीन्स अप डाउन ज्यादा हो तो वहां पे आप नॉर्मल स्पीड को मेंटेन रखिए, 80 के आसपास ही रखिए, 100 प्लस ना करें। क्योंकि देखिए होता क्या ना, जब आपका कंटिन्यूअस रोड अप डाउन रहेगा ना तो वहां पे जो आपका स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो आपको सही नहीं मिलेगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगा। अभी जैसे देखिए यहाँ नॉर्मल में मैं इतना काट रहा हूँ, देखिए ये जो लेन देख रहे हैं ना आप, इसके अकॉर्डिंग कट गया गाड़ी, ठीक है। देखिए तो ये जो कब कट रहा है, जब आप एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन रख रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको पास दे रहा हूँ, इस साइड ले लिया, तो ये आपको देते रहना होगा। कभी कई बार आपको नहीं दीजिएगा सिग्नल तो वो लोग समझते नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि स्टीयरिंग का फीडबैक आपको सही तरीके से तभी मिलेगा जब आप एक रोड को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए मैं कितना आराम से रोड को फॉलो करके काट रहा, कहीं से भी मुझे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा स्टीयरिंग का फीडबैक मुझे सही नहीं मिला जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे, क्योंकि मेरा गाड़ी की स्पीड अभी 80 में है और ये रोड 80 के लिए परफेक्ट 80-90। अगर यही रोड में मैं 100-120 में चलाऊंगा सेम रोड में तो मुझे शायद उतना एप्रोप्रिएट स्टीयरिंग का फीडबैक ना मिले, क्योंकि आप साइड में देख सकते हैं रोड में कितना मेंटेनेंस हुआ, तो वो अप डाउन वगैरह ज्यादा हो गया है और रोड का एक क्वालिटी भी है उस लेवल का नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं देखिए कितना अप डाउन है। तो इसमें क्या होगा, जब एक बार गाड़ी आपका जंप करके ऊपर नीचे ऐसे होगा तो आपका जो जैसे टायर फिर वापस से रखाएगा तो आपको उस हिसाब से फीडबैक नहीं मिलेगा जो कि एक रेगुलर टाइप का स्टीयरिंग का जो फीडबैक मिलता था। तो आप हमेशा वही कोशिश करें कि रोड के हिसाब से स्पीड करें। देखिए एक्सीडेंट जो भी होता है वो किसी एक कारण से नहीं होता, ठीक है। अगर आप देखे होंगे कई बार कहीं सुने होंगे कि स्टीयरिंग को काट रहे थे, कंट्रोल नहीं हो, आउट ऑफ कंट्रोल जाके कहीं ठोक दिया, तो वो कैसे होता, कई बार टर्निंग में इधर जाने के बदला सीधा जाकर ठोक दिया, तो वो यही होता है कि रोड का जैसे आप अगर आप साइंस के कोई स्टूडेंट होंगे तो आपका 11th चैप्टर में एक सब्जेक्ट था, ठीक है, वो है बैंकिंग ऑफ रोड। कई जगह उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि कहीं जगह में देखिए जहां पे टर्न होगा हाईवे रोड में, आप देखिए हल्का सा रोड ऐसे उठा होगा, इधर डाउन होगा इधर उठा होगा, अगर ऐसे टर्न होगा, अगर ऐसे होगा तो ये वाला पोजिशन उठा रहेगा, ये डाउन रहेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। वो क्या होता है कि जब आप टर्निंग लेते हैं आपको गाड़ी को एक एप्रोप्रिएट एंगल चाहिए, आप ग्राउंड में देखिएगा जहां पे प्लेन सरफेस है वहां पे स्पीड में टर्न कीजिए नहीं होगा, टायर उठ जाएगा या फिर कलट जाएगा, लेकिन आप रोड में देखिए 80-90 के स्पीड में आराम से गाड़ी टर्न हो जाता है, क्योंकि उस स्पीड के हिसाब से उस रोड को बनाया गया ताकि फोर व्हीलर आराम से हल्का सा वो एंगल लेकर के वो टर्न कर ले। बाइक में क्या होता है कि बाइक में जब आप टर्न लेंगे देखिएगा बाइक ऐसे झुक जाता है, इधर लेना था हल्का सीधा वो झुक के एंगल ले लेता, बट फोर व्हीलर तो झुक नहीं सकता, वो तो स्ट्रेट रहता है। इसीलिए जो रोड को ही वैसा एंगल पे बनाया जाता है ताकि वो आप आराम से उस लिमिट से गाड़ी को चला सके, तो वो हर रोड में एक लिमिट बनाया जाता है कि इस लिमिट में आप गाड़ी चलाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है जब उस लिमिट सपोज 80 का डेडलाइन है आप 120 में चला रहे हैं, तब आपका प्रॉब्लम होता है कि वो टर्निंग में आप काट नहीं पाए सीधा ठोक दिए, वो इसीलिए होता है ताकि वो रोड ही उस लाइक का नहीं बना हुआ आप उससे ज्यादा स्पीड चलाने का। बाइक में क्या होता है आप झुका के वो एंगल ले लेते हैं तो वो काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हर कोई आपको नहीं बताएगा, ये डिटेल से मैं आपको साइंटिफिकली टर्म से बता रहा हूँ, साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिजिक्स का एक चैप्टर भी, अगर आप लोग कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि बैंकिंग ऑफ रोड करके एक टॉपिक्स है, उसमें टोटल चीज डिस्क्राइब किया हुआ रोड के बारे में। तो फ्रेंड्स उसी चीज के हिसाब से आप गाड़ी को चलाएं तो आपका गाड़ी भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे, आप इजिली कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली गाड़ी को। तो फ्रेंड्स देखिए ये रोड का स्पीड लिमिट है 80, मैं 80 के अंदर अगर चला रहा हूँ तो हर एक चीज कर सकता, हाँ 80 से 90 कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम, बट अगर आप 120-130 में चलाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होना ही होना है। जैसे सपोज ये टर्निंग में अगर 120 से पार करेंगे तो आप इस लेन में क्या उस लेन में भी नहीं मोड़ पाएंगे गाड़ी को, जैसे मैं देखिए अभी इस लेन में मोड़ ले रहा हूँ, आप उस लेन में भी गाड़ी को नहीं मोड़ सकते, आप उधर चले जाते हैं रोड के उस साइड चले जाते हैं। तो इसी चीज के बारे में तो इसी चीज आपको बेसिकली डिटेल से समझना होगा कि गाड़ी जब आप चलाएं तो कैसे कैसे किन किन चीजों का ख्याल आपको रखना है जिससे आप हाई स्पीड में भी इजिली गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पे डाउन हो गया, ठीक है, टर्निंग है तो मैं एकदम स्लो कर लिया हूँ क्योंकि यहाँ मुझे ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा, मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा, तो इसीलिए मैं गाड़ी को पहले स्लो किया हूँ। उसके बाद जैसे ही स्लो हुआ देखिए गाड़ी एकदम इजिली कंट्रोल हो गया स्टीयरिंग, अगर यही स्पीड ज्यादा रहता तो स्टीयरिंग उतना फीडबैक मुझे बढ़िया से नहीं मिल पाता, मैं उतना कमांड गाड़ी पे नहीं रख पाता, ठीक है। अभी देखिए मैं गाड़ी को इजिली मोड़ रहा हूँ, ठीक है,
कहीं से भी मोड़ रहे हो, गाड़ी एक विद इन लाइन के अंदर ही चल रही है, ना कि दूसरे लाइन पे जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जब भी गाड़ी चलाएं किसी के बहकावे में ना जाएं। कोई आपके साथ कोई फ्रेंड्स या कोई भी सर्कल के आपके फ्रेंड्स दोस्त या कोई रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, आप उनके फन के लिए गाड़ी ना चलाएं। एक छोटा सा मिस्टेक आपके जिंदगी भर के लिए अफसोस हो सकता है, मे बी मेजर एक्सीडेंट भी हो सकती है, जो कि आपका जिंदगी भर आप उसके बारे में सोचते रह जाएंगे कि काश मैंने उस दिन उसकी बात ना मानी होती या फिर वो गलती ना की होती। देखिये गाड़ी जो है बहुत ही रिस्की चीज है। अगर आप उसको गलत वे में चलाएंगे तो, आप उससे अच्छे वे में चलाएंगे तो आपका वो फैमिली का एक फैमिली मेंबर बन जाती है, जो कि आपकी लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करते रहती है हर एक कारणों में। तो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से उसको ड्राइव करें, जैसे जैसे सिंबल बना हुआ रोड के हिसाब से चलाएं गाड़ी को, और जरूरत के ज्यादा आप ओवर स्पीडिंग भी ना करें, आप एक लिमिट के अंदर ही चलाएं, तो आप भी सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेंगी और आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं।